जम्मू कश्मीर के बिलावल में रविवार को हुए एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। मामला रविवार का है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे और आखिरी फेज के अंतिम दिन प्रचार करने के लिए बिलावल पहुंचे थे। इस दौरान वो मंच पर अपना भाषण दे ही रहे थे कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद मंच पर बैठे नेताओं ने उन्हें संभाला। थोड़ी देर बाद खड़गे फिर से मंच पर आए और उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला, जिससे सियासी पारा गरमाया हुआ है। बता दें कि खड़गे की तबीयत बिगड़ने की सामने आने के थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनका हालचाल जाना। वहीं खड़गे की ओर से पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। शाह ने आगे कहा कि उन्होंने अपनी कटुता का परिचय देते हुए बिना मतलब के प्रधानमंत्री मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। शाह ने कहा कि जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य की बात है, पीएम मोदी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। वो 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखने के लिए जीवित रहें। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर अमित शाह के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सांसद मनोज तिवारी और गिरिराज समेत कई नेताओं का बयान सामने आया है। बीजेपी नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि खड़गे की तबीयत में सुधार होने के बाद वो फिर से प्रचार के लिए लौटेंगे।